जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीएसआई सिलेबस 2021 कितनी वैकेंसी है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है, प्रैक्टिस पेपर बताएंगे किस प्रकार कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन कितने आएंगे, एवरीथिंग ए टू जेड आपको बताया जाएगा क्वेश्चन पेपर के बारे में। फिर फिजिकल टेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और मैक्सिमम एज क्या होगी, उसके बाद कट ऑफ क्या, कितना मैक्सिमम कट ऑफ रहता है जिससे आप क्वालिफाई कर सकें, फिर प्रोसीजर क्या होगा इस सारे एग्जाम का, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए क्या एग्जाम क्या जो है प्रोसीजर होगा, फिर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी, कब तक ये वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि मैक्सिमम वैकेंसी इसी साल वो क्लियर करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस न्यूज टैग में कि 6 महीने में उसे सारी भर्तियां लगभग क्लियर करनी है। कारण इसके पीछे जाहिर सी बात है, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन होना है जिसमें सीधी सीधे गवर्नमेंट इससे पहले अपनी सारी वैकेंसी क्लियर कर देगी। तो इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ आप चैनल में जुड़ें और अच्छी तैयारी करें। तो दोस्तों आइए आपको इसके साथ ही ये क्लास स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं इस। दोस्तों सबसे पहले बता देना चाहूंगा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम आपको ऑनलाइन होने वाला है, जो जो ये एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टोटल इसमें 160 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा, 160 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। दूसरी बात, टोटल जो पूर्णांक होगा वो 400 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल रहेगा, तो आपका आपके साथ ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। 160 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय आपके पास है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स 400 नंबर का है। अब दोस्तों एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है कोविड के कारण, और उम्मीद है कि आगे भी एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड नहीं आया है, तो आप इसी को अंतिम मान के चलें कि 15 जून ही लास्ट डेट है। उसके बाद दोस्तों एक और बात बता देना चाहूंगा कि जो अंक तालिका है आपकी ग्रेजुएशन की, जो मार्कशीट है वो आपकी अप्लाई करने की डेट के साथ आपके पास रहनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए, कि इस एग्जाम की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, अपीयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता देना चाहूंगा क्या प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले स्टेज में आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब क्या क्या इनमें होगा वो चीजें मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए क्या है, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायर्ड है उनको, देन उनका चेस्ट 79 सेंटीमीटर टू 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 4.8 किलोमीटर रनिंग उनकी करनी है 28 मिनट में करनी है। उसके बाद दोस्तों एसटी मेल के लिए अलग से एलिजिबिलिटी है, उनके लिए हाइट का एग्जेम्पशन है, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, रनिंग सेम है उनके लिए भी। फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, उनकी हाइट जनरल ओबीसी एससी की जो फीमेल है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, और उनकी जो रनिंग है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में होनी चाहिए। उसके बाद जो फीमेल एसटी उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर एंड उनकी रनिंग भी सेम 2.4 किलोमीटर विद इन 16 मिनट। तो ये इनका फिजिकल का क्राइटेरिया होगा दोस्तों, इसकी तैयारी आप आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में आप इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है। टोटल सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है 9 to 7, टोटल 9000 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए निकली हुई है, जिसमें करीब जो 3500 जनरल के लिए है, 900 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2500 वैकेंसी करीब आपकी ओबीसी के लिए है, 1800 वैकेंसी एससी के लिए है, 180 वैकेंसी करीब आपकी एसटी के लिए है। दोस्तों प्लेटून कमांडर की टोटल जो है 484 पोस्टें निकली हुई हैं, जिसमें 194 सीटें आपकी जनरल के लिए निकली हुई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 पोस्टें, ओबीसी के लिए 131, एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 10। फायर ऑफिसर के लिए भी पोस्टें निकली हुई हैं दोस्तों, यूपी पुलिस में फायर अफसर भी होता है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है और अच्छी लाइफ रहती है फायर अफसर की, एक शेड्यूल लाइफ होती है। इसमें टोटल जो है जनरल के लिए 10 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं,
ओबीसी के लिए 6 हैं, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट इसमें दोस्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों टोटल जो है 23 पोस्ट फायर अफसर के लिए है। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है फायर अफसर की, आप दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा एग्जाम का कैसा शेड्यूल होगा, और आपको जैसा कि मैंने बता दिया टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन दोस्तों जो आने वाले हैं वो 160 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 40 40 क्वेश्चन के चार पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा आपका जनरल हिंदी का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज इसका होगा, जिसमें आपके दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। फिर तीसरा जो आपका सेक्शन है दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, इसमें मैथ्स का होगा, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। उसका जो चौथा सेक्शन है वो रीजनिंग का है दोस्तों, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का इसमें टेस्ट है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100 मार्क्स के। और दोस्तों आपको एक साथ ही साथ एक बात बता देना चाहूंगा, हर एक सेक्शन में आपको 35% मार्क्स मिनिमम ऑब्टेन करने हैं, अदरवाइज आप जो है टोटल अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे अगर आप किसी भी सेक्शन के 35% मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको ये 35% का जो ग्रेट स्कोर है इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ बता देना चाहूंगा, टोटल मिलाकर इन चारों सेक्शन मिलाकर आपका 50% से अबव कट ऑफ होना चाहिए, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइंग होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे सिंपल जो क्वेश्चन जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो कौन सा है। दोस्तों हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने मैक्सिमम पोर्शन का कवर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप सारी क्लासेस वहाँ कर सकते हैं। हमने लक्ष्मीकांत बुक रिफर करके मैक्सिमम जो है आपका क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, जिससे आप एक एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आए, इन 40 में से आप जो है 38 से 39 क्वेश्चन सही करके आए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हमारी कुछ दिनों बाद ही स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लासेस चल रही हैं आप इनको रिफर करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आप एक एक सेक्शन की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब आगे डिस्कस करते हैं सिलेबस। यहाँ पर सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपका ग्रामर और पैराग्राफ ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद दोस्तों विधि में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव आएगा, स्टेट का एग्जीक्यूटिव आएगा, पंचायती राज आएगा। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो दोस्तों आप हमारे पॉलिटी की जो चैनल लिस्ट है आप उसको रिफर करिए, वहाँ पर एक एक चीज इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। उसके बाद दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग, ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है दोस्तों मैथ्स रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए और जुड़े रहिए। अगर आपको एग्जाम बहुत ईजी तरीके से क्वालिफाई करना है, क्योंकि कारण दोस्तों सबसे बड़ी बात दिक्कत ये यहाँ की है कि इस समय जो है कोविड का टाइम चल रहा है, आप कहीं किसी कोचिंग में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और हम नया इंस्टीट्यूट लेके आए जहाँ पर हम हर एक बच्चे के लिए फ्री में विदाउट एनी पेमेंट, एक भी रुपए बिना लिए हुए आपको सारी फ्री में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ अच्छी से तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। कारण यह है कि यह वैकेंसी जो है अगले विधानसभा इलेक्शन के पहले ही क्लियर होनी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा एक बुक लिस्ट, जिससे आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएं। दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही एक बेसिक बुक है ल्यूसेंट की, तो आप उस बुक को रिफर कर सकते हैं। और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोस्तों लक्ष्मीकांत की बुक है, आप इसको रिफर करिए। और मेंटल एबिलिटी के लिए दोस्तों RS अग्रवाल की बहुत अच्छी मैथ्स की बुक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल की ही बुक है। ये सारी बुक्स का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ ये जो पॉलिटी का हमारा लेक्चर चल रहा है इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप इसे रिफर करके अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, गुड डे।